धनतेरस के दिन आप बर्तनों की खरीदारी करते हैं, जैसा मैंने किसी और दूसरे वीडियो में बताया। आप देख सकते हैं कौन से बर्तन लाने हैं, कौन से बर्तन नहीं लाने हैं, किस धातु को लानी चाहिए, कौन सी वस्तुएं लानी चाहिए, कौन सी वस्तुएं भूल कर भी नहीं लानी चाहिए। आप दूसरे वीडियो में से देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में यह बता दूं, छोटी सी बात, घर में जो भी बर्तन धनतेरस के दिन लाते हैं, चाहे सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, कांसा है बर्तन है, या फिर पीतल हो या फिर मिट्टी का ही क्यों ना हो, बस मैंने बताया था स्टील प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। एनीवे, तो जो भी हो, जो बर्तन लाएंगे वो घर पे खाली नहीं लाना। आप पहले से व्यवस्था बना के रखें कि जब बर्तन लेंगे तो उसमें या तो मिठाई रखकर या किसी प्रकार के अनाज को ही रखकर, कुछ द्रव्य रखकर लाना, बस खाली नहीं लाना, इस बात को याद रखेंगे। जिस प्रकार से भरा भरा आप लाएंगे, वैसे ही भरा हुआ माता लक्ष्मी आपको हमेशा, आपका भरा पूरा, आपका भंडार, आपके अन्नपूर्णा माता का मंदिर, आपका स्टोर, आपका घर में भरा पूरा रहेगा, यही इसका अर्थ है। बर्तन खाली नहीं लाना, कुछ ना कुछ रख के ही लाना। आपकी दीपावली, धनतेरस बहुत शुभ हो, बहुत बहुत शुभकामना।